हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स के नजरे से। तो चलते हैं आज ही हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वह ये फास्ट टैग को लेके, तो इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट हैं जिनके बारे में बेसिकली हमें यूपीएससी पूछ सकती है, हम उनको यहाँ पे देखेंगे। तो कंटेक्स्ट ये है कि अभी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है कि भाई जो नए जो भी मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन किए जाएंगे और जो भी आगे से नए व्हीकल लिए जाएंगे उनमें फास्टैग को कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कैशलेस की तरफ लगातार प्रमोट करी है। आपको पता है लगातार गवर्नमेंट और डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रही है, इसलिए काफ़ी अहम हो जाता है कि भाई इस सेक्टर को भी कहीं ना कहीं डिजिटल है वो किया जा सके लिए, इसीलिए फास्टैग का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। तो एक बार है क्या वो देख लेते हैं। फास्टैग देखो, आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि फास्टैग के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली यूपीएससी पूछ सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो ये ध्यान रखना है ये एक्चुअली यहाँ पे एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी उनको यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें आरएफआईडी है जिसका यूज है वो किया जाता है। देखो आज के टाइम पे जो भी नई गाड़ियां वगैरह लेते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे मेन स्क्रीन पे या तो जो मेन उनकी वो होती है ग्लास होता है, मेन मिरर होता है, उस पर या तो इस साइड कहीं भी एक छोटी सी चिप पर वो लगी हुई होती है, उस चिप को बोलते हैं एक्चुअली आरएफआईडी, जिसमें जो क्या कि रेडियो वेव है वो जनरेट करती है। और फिर यहाँ पे एक रिसीवर होता है, जो ही हम टोल के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का रिसीवर कैमरे टाइप का लगा होता है जो उसको डिटेक्ट कर लेता है। और फिर इससे जो फास्टैग होता है ना आरएफआईडी का, इसमें क्या होता है एक्चुअली हमारा काउंट है वो कनेक्ट होता है या इसमें फिर बैलेंस होता है, तो उसके आधार पर वो माइनस है वो तुरंत हो जाता है बैलेंस। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक इससे पेमेंट है वो किया जाता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब इसमें एक टैग रीडर होता है, यहाँ पे जो ही गाड़ी हमारी पहुंचेगी तो यहाँ से क्या करेगा ये रीड कर लेगा फास्टैग को और जितना पेमेंट है कैसे कट हो जाएगा, फिर आगे हमारा जो ट्रैफिक गेट है वो ओपन हो जाएगा और हम वहां से पास हो सकते हैं। तो मतलब इसमें कैशलेस काम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, अदरवाइज हमें पहले स्लिप के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर चेंजिंग वगैरह से काफी बड़ा लोचा यहाँ पे होता रहता है। तो ये इसके लिए बेसिकली इसमें चेंजेस वगैरह किए गए, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज आई है वो आई है यूएनईपी को लेके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को लेके, तो इसके बारे में देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। सबसे पहले तो वो देखते हैं कंटेक्स्ट ये है अभी कि गूगल और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। क्या बेनिफिट होंगे इस कोलैबोरेशन के, क्यों क्या वो देखते हैं। देखो गूगल और ये एक्चुअली यूएनईपी दोनों ने कोलैबोरेशन इसलिए स्टार्ट किया है ताकि इस सेक्टर में एनवायरनमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ऑल ओवर में, उसको सिंक किया जा सके और एक कोऑर्डिनेशन है वो बनाया जा सके। क्योंकि देखो गूगल के पास आपको पता है कि सेटेलाइट इमेज काफी अच्छी होती है, गूगल मैप वगैरह उसके पास काफी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो काफी जगह राहत कार्यक्रम बोल सकते हो आप, या किस वाले एरिया में कौन सी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान वगैरह हो रहा है, एनवायरनमेंट को कहाँ लॉस हो रहा है, कौन कौन सी दिक्कत वगैरह है, तो वो क्या करेंगे उसके मैपिंग वगैरह के थ्रू इमेज वगैरह वहां से ली जाएंगी। ये बेसिकली दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है वो किया गया है ताकि ग्लोबल जो इकोसिस्टम है इसको बचाया जा सके, ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करें हम यूएनईपी की, जो कि यूएन की एक एजेंसी है, ये हमें ध्यान रखना कि यूएन के साथ बेसिकली भी काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है। काम क्या है इसका बेसिकली, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज होगी डेवलपिंग कंट्रीज में या फिर आप बोल सकते हो कि और भी जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे एनवायरनमेंट को लेके प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी पॉलिसी वगैरह में हेल्प करना, ये बेसिकली इसके द्वारा काम है वो किया जाता है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फीचर कि भाई यूएन के अंदर कहीं भी एनवायरनमेंट की कोई बात आती है तो एक तरीके से यूएन के अंदर एनवायरनमेंट की जो भी कोई पॉइंट आता है तो उसमें यूएनईपी है उसका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है। अब बात करें इसको किसने बनाया था, कब बनाया था, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। देखो ईयर वगैरह आपको याद हो या नहीं हो वो कोई बात नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए लगभग कब बनी थी, क्योंकि ये बार यूपीएससी सीक्वेंस पूछ लेती है कि जैसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी या ये होगी, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा बहुत पता आइडिया होना चाहिए। तो ये बेसिकली बनाई गई थी मॉरिसस जो स्ट्रॉन्ग थे उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। अब बनाई कब गई थी, देखो 1972 में, ये तो आपको बेसिकली पता ही है कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दौरान काफी सारी एनवायरनमेंट को लेकर बातें भी हुई थी, रियो समिट भी हुआ था बाद में, तो वो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बाद में निकल के आए थे और उसी दौरान एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। तो मतलब 1972 में इसको बनाया गया था एनवायरनमेंट के लिए, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए स्टेप है वो उठाती है। इसके साथ ही आप बोल सकते हो कि ये एडवोकेट का काम करती है एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेटर का काम करती है, इसके साथ ही कहीं भी एनवायरनमेंट के लिए कोई फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी हो उसको प्रमोट करना हो, या फिर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उसको प्रमोट करना हो ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी का वो लगातार तैयार रहता है। इसके साथ देखें कि एनवायरनमेंट से संबंधित यूएन के अंदर जो एजेंसीज हैं वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज होते हैं उनको एनवायरनमेंट को लेके, तो वहाँ पे यूएनईपी है उसके द्वारा सॉल्यूशन है वो किया जाता है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो नैरोबी केन्या के अंदर है, तो केन्या की लोकेशन कहाँ पे है आप ये बताइए, केन्या वो लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, तो हमें इन बेसिक चीजों का यहाँ पे पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है, एक सेकेंड,
हाँ, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो आया है एक्चुअली एनसीसी और एनएसएस को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने अभी एनसीसी और एनएसएस है इन दोनों को एक्चुअली आपस में सिंक करने के लिए कमेटी है वो बनाई है। तो कमेटी की रिकमेंडेशन अभी बातचीत वगैरह बहुत तो बाद में आएंगी, बट अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं रिसेंटली कि एनसीसी और एनएस है क्या। ये बेसिकली हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीसी का मतलब आपको पता ही कि नेशनल कोड ऑफ क्रॉप्स, और इसके साथ बात करें एनएसएस की तो हो गया नेशनल सर्विस स्कीम। इन दोनों के देखते हैं क्या क्या इनके बेनिफिट होने वाले हैं, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। देखो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो काम एनसीसी का है और जो काम एनएसएस का है इन दोनों कामों को अगर सिंक कर दिया जाए तो बेटर रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। अगर इसका सिंक्रोनाइज बढ़ेगा तो हमें और भी काफी सारे बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन दोनों का हम एक साथ कर सकते हैं, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी हम एक साथ यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इंटरलिंक है वो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए कि यूथ को एम्पावर करना हो वो भी यहाँ पे हमें काफी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का काम है वो बेसिकली यूथ के साथ ही कनेक्ट है, तो इसलिए दोनों अगर एक साथ काम करेंगी तो और अच्छा बेनिफिट इस सेक्टर में मिलने वाला है। अब बात करें हम एनएसएस की जो कि 1969 में बनाई गई थी। बेसिकली देखो जो महात्मा गांधी जी के जो आइडियाज थे उनसे एक्चुअली प्रेरणा लेते हुए इसका निर्माण को किया गया था ये स्कीम को लेके। इस स्कीम का मेन एम ये था कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है, मेनली इंडिया उस टाइम पे डेवलपिंग था और आज भी उन डेवलपिंग कंट्रीज में ही आता है, तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है इंडिया के यूथ के अंदर उसको लेके काफी इंपॉर्टेंट कदम इसके द्वारा उठाए गए थे। इसके साथ ही बात करें कि स्टूडेंट का जो कैरेक्टर वगैरह है इसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें क्वालिटी लाने के लिए बेसिकली इसके द्वारा काम है वो किए जाते हैं। अब करती क्या ये है, ये स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या करती है, वॉलंटरी कमेटी वगैरह सर्विस वगैरह बनाती है और उसके आधार पर लोगों को सर्विस वगैरह वो प्रोवाइड करवाती है, मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करवाती है। जैसे कि आपको पता है जगह जगह पे एनसीसी के काफी एनएसएस के काफी वो सर्विस कैंप वगैरह लगे जाते हैं, उनकी हेल्प से भी इसके द्वारा काम है वो किया जाता है। अब बात करें हम यहाँ पे एनसीसी की, तो एनसीसी को बेसिकली बनाया गया था 1948 में, आजादी के तुरंत बाद इसका निर्माण किया गया था। देखो यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट है एक तरीके का यह एनसीसी, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इसके साथ ही अहम बात यह है कि यह ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ मिलकर बेसिकली सर्विस को प्रोवाइड करता है। इसकी मेन मोटो की बात करें एनसीसी का वो ये है कि हमारे देश की जो यूथ है उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाए, मतलब एक तो देशभक्ति की भावना तो हो ही उसके साथ, इसके साथ अहम बात यह होती है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स है उनका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया जा सके, और अहम बात क्या है डिसिप्लिन कि भाई डिसिप्लिन है यूथ में वो बरकरार रहे ताकि आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं भी हो जाए तो उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता रहे, और इवन आर्मी नेवी और एयरफोर्स है उसके अंदर काफी स्कॉलरशिप या काफी बेनिफिट भी उनको मिलते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, तो उनकी हेल्प से एनसीसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे सामने आ जाते हैं। तो अगर दोनों को सिंक कर देंगे तो दोनों के जो काम ऑलमोस्ट सेम से हैं उनसे और ज्यादा अच्छी गति है वो मिलने वाली है, तो उसको लेके यहाँ पे बात है वो की गई है। फिर आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देख लेते हैं। न्यूज थी वो थी अविश्वास प्रस्ताव को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि देखो अभी आपको पता है 2019 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी आपको पता है गठबंधन बना रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए बीजेपी वगैरह को हराना है, तो कंटेक्स्ट तो कुछ खास रहा नहीं है। तो अभी बात ये है कि भाई वो एक्चुअली लोकसभा के अंदर ये चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित करवाया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है अब विपक्षी दलों को कि उनके पास मेजोरिटी वगैरह है, तो उसको लेके हमें पता होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ बेसिक चीजें। देखो हमारा देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल 75 में ये बात की गई है कि जो मंत्रिपरिषद है ना वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, आप बोल सकते हो कि उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद में हर जो मंत्री है वो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे वर्ड इंपोर्टेंट होता है कि सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है वो होती है। अब अगर हमें अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना हो तो कम से कम एक तो 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, इसके बाद ही इसके ऊपर बात आगे बढ़ने की बातचीत है वो होती है। तो अभी क्या हुआ, लोकसभा स्पीकर ने 50 सदस्यों को अनुमति दे दी है, तो कल इसके बारे में आगे जो प्रोसीजर है वो फॉलो की जाएगी, बहस वगैरह इस पर होगी। अगर देखो लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव वो पारित हो जाता है लोकसभा में तो क्या होगा, तो बात ये होती है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, मतलब त्याग पत्र देना होता है और उसे हटना होता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इससे जो करंट गवर्नमेंट है वो यहाँ से हट जाएगी या उसको हटना पड़ेगा, ये बेसिकली इसके द्वारा काम किया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या क्या कंडीशन वगैरह होती है। मिनिमम 50 सदस्यों को अनुमोदन करना होता है, तभी उसके बाद स्पीकर वो डिसाइड करता है कि हाँ भी होगा या नहीं होगा, उसके बाद आगे की एक्शन है वो ली जाती है। अगर पारित होगा इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो विश्वास गवर्नमेंट है वो इससे बहुमत मेजोरिटी में नहीं है, इसलिए मामला खत्म हो जाएगा, तो उसको लेके अभी इश्यूज वगैरह। देखो विपक्षी पार्टियों के द्वारा स्टेप वो उठाए गए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ड्रोन गाइडलाइन को लेके।
आर्टिकल ये है कि अभी एयरपोर्ट एरिया में रेगुलेशन को लेकर ड्रोन को ड्रोन ए को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम पे काफ़ी टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काफ़ी साइबर अटैक भी हो रहे हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं एयरपोर्ट वाले एरिए, तो उनको रेगुलेट करने के लिए स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। तो ड्रोन गाइडलाइन बेसिकली ये है कि एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर वाले रेडियस में कोई भी ड्रोन वगैरह उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बात की जाए इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वहाँ पर 50 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन वगैरह का यूज़ बेसिकली नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन। अब ये गाइडलाइन जारी कौन करता है ये हमें बताना चाहिए। ये बेसिकली जारी किए जाते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है कि कंफ्यूज हो जो आप वही डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह, नहीं नहीं ये यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है। तो अभी बात यह है कि जो एक वॉचडॉग आप बोल सकते हो कि सिविल एविएशन सेक्टर का वॉचडॉग जिसका नाम है BCAS, BCAS का मतलब है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इसने अभी जो गाइडलाइंस वगैरह है वो जारी की है, उनके बारे में हम देख लेते हैं एक्चुअली काफी तरह के अप्रोच है वो लेके चलते हैं। देखो आप ये बताओ, जैसे कि ये मान लो एयरपोर्ट का एरिया है, अगर इस वाले एरिया में कोई भी ड्रोन उड़ रहा है तो उस ड्रोन को खत्म करने के लिए इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि भाई इसको गोली वोली या किसी दूसरे तरीके से इसको खत्म नष्ट कर दिया जाए, एक ऑप्शन ये होता है कि इसको हैक करके जमीन पे उतार दिया जाए। तो अभी ये 2 अप्रोच हो गई, तो जिससे अगर इसको तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया गया वो तो हो गई हार्ड किल अप्रोच, और जिस तरीके से इसको हैक वगैरह करके नीचे उतार दिया गया या फिर इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को कट कर दिया गया वो हो गई सॉफ्ट किल अप्रोच। तो अभी गवर्नमेंट वो फोकस कर रही है कि भाई सॉफ्ट किल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, हार्ड किल अप्रोच से कोई बेनिफिट है वो नहीं होने वाला, ताकि ना किसी का नुकसान हो, ये बात यहाँ पे की गई है। तो अभी बात करें हम BCAS की, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है वो एक्चुअली सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके साथ ही बेसिकली काम है वो करती है। काम इसका ये है कि सिविल एविएशन सेक्टर की सिक्योरिटी है उसको सिक्योर या सुनिश्चित करना, ये इसके लिए बेसिक का काम है। देखो एक तरीके से ये रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है इंडिया की सिविल एविएशन सेक्टर की, ऑब्वियसली रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होनी ही है क्योंकि सिक्योरिटी का काम इसी का होता है मेनली वहाँ पे। अब बात करें हम आगे इसका और फीचर्स की, इसके जो कमिश्नर्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसके जो कमिश्नर्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं वो DGP रैंक के बेसिकली होते हैं। इसके साथ ही शिकागो जो सम्मेलन था वो भी एक्चुअली इसके साथ बेसिकली डील, मतलब शिकागो कन्वेंशन के साथ जो भी इंडिया के मेंबर काम करते हैं सम्मेलन के वो भी इसके साथ मिलकर स्टेप है वो उठाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। आप ये बताइए कि शिकागो सम्मेलन किससे रिलेटेड है, सिविल एविएशन सेक्टर से यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है, अदरवाइज मैं आपको कल के आर्टिकल में यहाँ पे वो चीज बताने वाला हूँ। अब बात करें हम आगे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है, जैसे कि सिक्योरिटी को लेके के काम है वो किए जाते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की बात आ रही हो सिक्योरिटी को लेके, या फिर कहीं ना कहीं रूल वगैरह इंप्लीमेंट करना हो सिक्योरिटी प्रोग्राम वगैरह हो, तो वो बेसिकली BCAS के द्वारा ही किए हैं वो जाते हैं। इसी के साथ ही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं फ्लाइट्स वगैरह के लिए, डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहाँ पे जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइन वगैरह है, जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह है, उनको अप्लाई वगैरह करने का काम भी इसके द्वारा ही किया है वो जाता है। तो इसके बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो फास्टैग को लेके थी, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फास्टैग को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस है वो कर लिए हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले देखो आज हमने UNEP का और गूगल का जो जॉइंट प्रोग्राम उसके बारे में डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और गूगल दोनों एक साथ मिलके आ रहे हैं ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना उसको आपस में देखा जा सके। देखो गूगल का जो मैपिंग सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, उसकी हेल्प से देखा जाए कि भाई कौन सा एरिया लगातार खत्म होता जा रहा है, कौन सा एरिया में ओशियन वगैरह आप हो सकते हो, छोटे छोटे लेक वगैरह हैं वो खत्म हो रही हैं, वहाँ पे किस तरीके के एनिमल हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, तो वो सारी सेटेलाइट इमेज के थ्रू चेक की जा सकती हैं। तो UNEP का काम ईजी हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में लिंक है वो बनाए गए हैं। फास्टैग के बारे में देखा कि इलेक्ट्रोल जो टोल कलेक्शन है इसको बढ़ाने के लिए ही बेसिकली इसका वो किया गया, बस आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज है वो किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद में बात की थी ड्रोन गाइडलाइन को लेकर, तो हमने डिस्कस की कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो कि सिविल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इस बेसिकली इसने अपनी गाइडलाइंस वगैरह जारी की है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। बाद में हमने यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जाना कि देखो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो लोकसभा के जो मंत्री परिषद है उसको इस्तीफा देना होगा और मतलब सरकार है वो गिर जाएगी बेसिकली, तो उसको लेके बात यहाँ पे की गई थी। इसके साथ ही हमने NCC और NSS के बारे में डिस्कस किया कि दोनों को लिंक करने की बात है वो यहाँ पे की जा रही है। तो उसके बेसिक फीचर्स हमने देखे, NCC का बेसिक काम क्या है, डिसिप्लिन को बरकरार रखना और ये एक्चुअली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन निभाती है, किसमें, आर्मी के अंदर भी, नेवी के अंदर भी और एयरफोर्स में, तो ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।